हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो अभी तो ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है, उसके अलावा 7 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल भी रिसीव हुई है और 15 जगह पर हैवी रेनफॉल रिसीव हुई है। सबसे अधिक वर्षा जो है बारीपदा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के 156.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल है वो 507 मिलीमीटर हो गया है, जो कि नॉर्मल वैल्यू है 560.6 मिलीमीटर। तो इसके साथ ही अभी जो है उड़ीसा में एक लार्ज एक्सेस डिस्ट्रिक्ट है, 3 एक्सेस डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में 15 डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल और 11 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं और ओवरऑल उड़ीसा जो है 10% सामान्य से नीचे चल रहा है। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम की, तो जो मानसून ट्रफ है वो श्री गंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, डेहरी, बनकुरा, कैनिंग और होते हुए साउथ ईस्ट और जाते हुए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। दूसरा जो सिस्टम है जो हमारे उड़ीसा के लिए मेन है बारिश का, उसमें साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि कल गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नेबरहुड के ऊपर लाई करी थी, आज वो सिस्टम जो है गंगेटिक वेस्ट बंगाल और नेबर और जो साउथ बांग्लादेश है वहाँ पर नेबरहुड पे लाई कर रही है और समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है और जो हाइट के साथ साउथ वर्ड डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड हुई है। तीसरा सिस्टम जो है इस जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहाँ से एक ट्रफ लाइन जो कि नॉर्थ ईस्ट बिहार की तरफ जा रही है 0.9 किलोमीटर हाइट पे। तो इन सब सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। उसके अलावा जो है डे वन में हम लोगों ने आज जो है येलो वन और जो वार्निंग दी है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना वजह से, जिसमें 7 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है क्योंझर, मयूरभंज, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल होने की संभावना वजह से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा पूरा, खुर्दा, नयागढ़, कंधमा, संबलपुर, ढेंकना, बोर, सोनपुर और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। क्योंकि 2 तारीख को जो है हमारे उड़ीसा में जो सुंदरगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, बालासोर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, भद्रक, जाजपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और बाकी रेस्ट उड़ीसा जो है वहाँ कुछ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे 2 यानी 2 तारीख को भी हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्द्र, देवगढ़, संबलपुर और बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा 2 दिन की वार्निंग है, उसके अलावा वार्निंग नहीं है। उसके बाद डे 3 में जो है जो बारिश थोड़ा कम होगी, डे 3 डे 4 में उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। अब जो ऑरेंज वार्निंग है उसके लिए जो है इसमें क्या रहेगा कि जो जहाँ हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है वहाँ पर वाटर लॉगिंग जो लो लाइंग एरिया है, अंडर पास है, वहाँ वाटर लॉगिंग हो सकती है, ओवर विजिबिलिटी हो सकती है जब इंटेंस स्पेल रहेगा और ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है। उसके लिए जो कच्चा हाउसेज है, कच्चा रोड है, उसमें डैमेज हो सकता है। तो इसलिए सुजेस्ट किया जाता है कि जो वल्नरेबल कच्चा हाउसेज है वहाँ पर स्टेइंग को अवॉइड किया जाए, वहाँ ज़्यादा देर ना रुका जाए। उसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए और जो एक्सेस वाटर है उसकी ड्रेनेज की अरेंजमेंट की जाए। अभी अगर बात करें तो जो सीजनल रेनफॉल है 507 मिलीमीटर है उड़ीसा के ऊपर, और जो अभी अगर बात करें जो आज जो हमारे अगस्त के लिए जो रेनफॉल आया है उसमें अभी साउथ उड़ीसा जो है वहाँ नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने की संभावना है और नॉर्थ उड़ीसा में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रहने की संभावना है। अगर हम देखें अगस्त और सितंबर का फोरकास्ट दोनों मंथ मिला के सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून, उसमें जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल उड़ीसा के लिए रेनफॉल रहने की संभावना है।